तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है जिला परिषद का यानी मुखिया चुनाव का बैनर पोस्टर कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। यहां पे दोस्तों अगर मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूँ तो उसके लिए मैं पिक्सल लैब में जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने इतने सारे लेयर को यूज़ किया हुआ है इस बैनर को बनाने के लिए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस बैनर को बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इसको यानी ये जो बैनर है इसका जो PLP फाइल और इसका जो PNG है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा कि पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 2 है। तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चलिए भी दोस्तों फटाफट टाइम नहीं लगता, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मैंने जो दोनों बैनर को एक ही साथ यानी एक ही PLP में एक ही पोस्टर में बनाया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं जो आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, मैं आपको पहले जो पहला वाला AVM नमूना वाला बैनर है मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो यहाँ पे दूसरा वाला मेरा बैनर है ये वाला देख रहे हो जो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा बैनर बना के दिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको दोनों बैनर अलग अलग बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए वीडियो देखने के बाद। अगर मैं आपको इसी में एक ही में बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं सोचा हूं अलग अलग मैं आपको दोनों को बना के दिखाऊंगा। यहां दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि दोनों को अलग अलग बनाना है और आपको अच्छी तरीके से समझाना है कैसे बनाते हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बैनर कैसे बनाना है उस पर आते हैं। तो यहाँ आपके सामने जो कुछ इस तरीके से आपको जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन नजर आता है, यहाँ पे आपको यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का पहला वाला ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आप अपने गैलरी में आ जाओगे और यहाँ पे अभी आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड करके स्ट्रेट किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये रहा जिला पार्षद के नाम से, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें जो है इतने सारे PNG मिल जाएंगे जो आपको यूज करके बैनर को बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को क्लिक करके ओपन कर लेना, नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका जो बैकग्राउंड यहाँ पे आपका बैनर का है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे करना है दोस्तों प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अभी आपको जो है सारा PNG है उसको क्लिक करके फटाफट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सारा जो यहाँ पे सेट कर लेना है फटाफट। यहाँ पे अगर आपको ये सब सेट करने नहीं आता है तो यहाँ पर मैंने इसके लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो चलिए फटाफट एक एक चीज़ को जो भी यहाँ पे मैंने ओपन यानी PNG रखा हुआ है वो सारे को यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड दो। तो यहाँ दोस्तों जो भी PNG को ओपन करना था उसको मैंने यहाँ पे फटाफट ओपन करके उसको यहाँ पे सेट कर लिया हुआ है। सेट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो भी PNG को ओपन किया हुआ है सारे PNG को चलिए मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। लेयर के ऑप्शन पे जो लॉक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके मैं लॉक कर देता हूँ, और लेयर के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों अभी आपको जो भी फोटो को लगाना है यहाँ पे अपने इस बैनर में, यहाँ पे आप जो उस फोटो को ओपन करोगे तो यहाँ पे चलिए मैं उसके लिए यहाँ पे जो मैं प्लस का ऑप्शन ऊपर देख रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करता हूँ, फोटो को ओपन कर लेता हूँ जो मुझे इस बैनर में फोटो को लगाना है। तो यहाँ मैं जो अपने फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ पर मैंने फोटो को रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरा फोटो यहाँ पे ए रहा है इसको मैंने सेलेक्ट किया, नीचे मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसका साइज मैं छोटा करके कुछ इस तरीके से और इसको मैं ला के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ मैं लेयर के ऑप्शन पे जाता हूँ और इस डॉट पे क्लिक करके येलो लास्ट वाला ऑप्शन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरा जो फोटो नीचे के साइड में एकदम लास्ट में सेट हो जाएगा। और अभी मैं लेयर के जो ऑप्शन पे वापस से क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो फोटो यहाँ पे सेट करके हो चुका है। फोटो सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया हुआ है रवि किशन, यहाँ मैंने जो PNG को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप जो भी फोटो लगाओगे उसका नाम लिखोगे, तो लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो के साथ बने रहिए। पहले चलिए जो भी PNG है जो भी इसको ओपन करके सेट करना है उसको हम लोग यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं, लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ फिर। तो यहाँ पर अभी मेरा काम क्या बाकी रह गया है, यहाँ मेरा जो EVM नमूना वाला PNG है उसको क्लिक करके ओपन करना है। तो उसके लिए प्लस के ऑप्शन सेलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी जाना, और यहाँ पे मेरा जो PNG है चलिए उसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ मैंने इसको दिया हुआ है PNG, यहाँ पे मैं नीचे राइट का जो ऑप्शन है क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों आप ये जो PNG वाला यानी ये जो EVM नमूना का PNG देख रहे हो इसको कैसे बनाना है दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर आगे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो इसको बना के उसी तरह सेट किया हुआ जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ। अगर आपको इसको सीखना है कैसे बनाते हैं ये चीज़ तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको PNG बना के जो रखा हुआ है मैंने इसको यहाँ पर ओपन तो कर लिया हुआ है, अभी आपको इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए इसको सिलेक्ट करना होगा आपको, और यहाँ पे आपको चले जाना है जो पर्सपेक्टिव की ऑप्शन पे, जाने बाद इसको इनेबल करना है। और यहाँ पे इनेबल करने के बाद दोस्तों अभी आपको इसको सेट करना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो सेट करना है, जैसा भी आपको एंगल में रखना है वैसा भी यहाँ पे एंगल रख सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ मेरा थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो जा रहा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग अभी मेरा जो सेट करके लगभग हो चुका है, अभी मैं ऊपर राइट का जो ऑप्शन है क्लिक कर देता हूँ
तो मेरा ये जो यहाँ पे सेट करके हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह सेट कर देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मेरा ये इतना काम करके हो चुका है, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो कि मेरा ये PNG सेट करके हो चुका है। मैंने आपको बता दिया है PNG कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दी हुई, आप मेरे चैनल पे आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो और भी आपको बाकी कुछ भी जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पे आपका ब्लॉग का नाम लिखना है या और भी कुछ जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे जो लिखोगे। लिखने के लिए सबसे पहले जो आपका न्यू टेस्ट को सिलेक्ट करना होगा, एक ही ऑप्शन में टू फ्रंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एडिट के ऑप्शन भी आना है, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। और यहाँ पे जैसे मैंने अपने बैनर में लिखा हुआ है, यहाँ पे चलिए मैं वही लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रखंड दुर्गावती भाग 02 से, तो यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ जैसे एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों जो कुछ भी लिखना था वो मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके फटाफट जो यहाँ पे लिख लिया हुआ है, और यहाँ मैं डन करके मैं ओके कर देता हूँ। मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, और इसका साइज मैं छोटा करता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। और अभी मैं जो इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं जो PNG मैंने ओपन किया हुआ है लेयर के ऑप्शन जाके इसको मैं लॉक कर देता हूँ, तो मुझे बार बार यहाँ पे जो डिस्टर्ब करेगा बैनर को एडिटिंग करने में, तो इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया हुआ है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ जो फॉन्ट के ऑप्शन पे, मैं यहाँ पे माई फॉन्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये सारे फॉन्ट को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल की मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी आपको इसमें कलर देना है, तो यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर आकर इसमें जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये कलर को जैसे सिलेक्ट किया, ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा ये भी काम करके हो चुका है। यहाँ मैंने जो नाम का दोस्तों PNG यूज कर लिया हुआ, यहाँ पे जो रवि किशन नाम लिखा गया है उसका मैंने PNG यूज कर लिया हुआ है। तो जैसे अभी मैंने आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरह से लिख लेना है आपको उस टेक्स्ट को। और यहाँ मैं इसका एक कॉपी लेके एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने बाद यहाँ मैं जो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ मैंने जो कट करता हूँ इसको मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने मो लिखा और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिख देता हूँ फटाफट, मोबाइल नंबर लिखा और मैं यहाँ पे जो है डन करके ओके कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर का टेक्स्ट आ चुका है। साइज में छोटा करके इसमें जो मैं वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर के ऑप्शन पे जाके, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट का जो ऑप्शन क्लिक करके ये जो PNG है यानी सॉरी तो ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे नंबर भी सेट करके हो चुका है। और यहाँ पे इसके साइड में निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़ सब तो पहले से लिखा गया है। यहाँ दोस्तों अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ है कि नए दौर की आदि है, आजमा कर देखिए, जिला का होगा विकास, जीता कर देखिए। तो दोस्तों ये मैंने PNG यूज किया हुआ, मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, अगर आपको इसको रहने देना है रहने दे सकते हो, नहीं तो आप जो यहाँ पे इसको डिलीट कर दोगे, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लेयर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे शायद से ये नहीं है, ये रहा शायद से, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा। तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप टेक्स्ट का कॉपी लोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉपी ले लिया, और एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, जो भी लिखा है उसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो भी लिखना है मुझे वो चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल दिखाने के लिखने के बाद आपको डन करके ओके करना है, और यहाँ पे आप जो भी लिख रहे होगे उसको आपके लाके यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस तरीके जो भी आपको सेट करना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मैंने जो बॉक्स में लिखा हुआ है यानी सेप में जिला पार्षद करके, आपको मान लीजिए ये भी चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको इसको चेंज करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे जो जिला पार्षद वाला टेक्स्ट है उसको आपको यहाँ पे जो बंद कर देना है तो यहाँ से डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको यहाँ पे लिख लेना है। जिसमें ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में जिसमें जो भी लिखा है उसको मैं कट करके यहाँ पे एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जिला स्तरीय या मान लीजिए मैंने लिख दिया एग्जांपल में, और डन करके मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको जो भी इसमें कलर देना है यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करके ऊपर राइट का जो ऑप्शन क्लिक करोगे, और इस टेक्स्ट को आपको ला के यहाँ पे इसके अंदर सेट कर दोगे, तो ये भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें जो भी लिखना है जो लिख सकते हो, यहाँ से आपको हटाना है हटा सकते हो। पासवर्ड 3। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार अपने बैनर पोस्टर में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मैंने आपको ये जो यहाँ पे नीचे का सारा काम करके लगभग दिखा दिया। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है को चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप क्रमांक संख्या 1, यानी कि ये जो मैंने आपका EVM नमूना का ये जो PNG लगाया हुआ, यहाँ मेरा जो क्रमांक नंबर 1 पे ही रवि किशन नाम लिखा गया है, चुनाव चिन्ह भी एक ही नंबर पे है, और यहाँ पे एक नंबर पे भी क्लिक है। तो इसके लिए यहाँ मैंने जो क्रमांक नंबर 1 बटन को दबाकर भारी मतों से विजय बना ऐसा करके लिखा हुआ मतलब मैंने। तो आप इस तरीके से आप जो भी आप लगाओगे अपना जिस नंबर पर आप लगाए रहोगे अपना PNG नाम लिखे रहोगे उस नंबर को आपके यहाँ पे जो क्रमांक संख्या डालना है। बाकी यहाँ पे आपको जो भी करना था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो बस दोस्तों आपके यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से एक ये वाला पोस्टर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये जो पोस्टर बना के हो गया और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अभी इस दूसरा पोस्टर आप देख रहे हो इसके बाजू वाला यानी इस पोस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ देख सकते हो ये वाले पोस्टर के बारे में। तो चलिए अभी जान लेते हैं जो ये वाला पोस्टर आप देख रहे
है ये जो पोस्टर है वो कैसे बनाना है, चलिए भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपका है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे एरा मेरा एप्लीकेशन, चलिए इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे स्टार्टिंग में आपको जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक डाउनलोड करके फाइल को एक्सट्रैक्ट किया रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो फाइल का नाम रहेगा जिला पार्षद करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना है। और ये जो फाइल दोस्तों है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, उसमें पासवर्ड डाल के कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, अगर आपको ये सारा काम करने नहीं आता है तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको अपने इस बैनर के बैकग्राउंड का जो है उसको ओपन कर लेना है। नीचे राइट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका जो बैकग्राउंड है बैनर का वो ओपन हो जाएगा। और अभी आपको जो टेक्स्ट है इसको साइड में रखना है अभी के लिए। और अभी आपको प्लस की ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको इस PNG को ओपन कर लेना है। नीचे राइट का जो ऑप्शन क्लिक करके नीचे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिलेटिव साइज का ऑप्शन जाकर हाइट विथ फुल करके ऊपर राइट का जो ऑप्शन क्लिक कर देना है। प्लस की ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी पे जाना है। और यहाँ पे ऐसे ही बाकी का जो भी PNG है उसको क्लिक करना है, रिलेटिव साइज का ऑप्शन भी आके फुल करना है इसको, ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके लेयर की ऑप्शन भी इसको लॉक कर देना है जो भी आपने ओपन किया रहेगा। प्लस की ऑप्शन सेलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी जाना है। इसे आपको जो भी PNG है फटाफट उसको ओपन कर। यहाँ दोस्तों जो भी ओपन करना था PNG को, सारे PNG को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेयर के ऑप्शन जो भी मैंने ओपन किया उसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैंने जो भी ओपन किया था उसको मैंने लॉक कर दिया हुआ है। और अभी आप यहाँ पे देखो तो मेरा जो इतना काम यहाँ पे करके हो चुका है, इतना सारा PNG दोस्तों आपको इस बैनर को बनाने के लिए लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा जो भी PNG देने लगा है उसको दे देते हैं, बाकी जो भी आपको लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे चले लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इतना काम करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फोटो को ओपन कर लेना, जो भी आप फोटो लगाना चाहते हो अपने इस बैनर पोस्टर में। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने गैलरी में जाता हूँ जहाँ पे भी मैंने फोटो को रखा हुआ है इस बैनर पोस्टर में लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो फोटो यहाँ पे एरा, इसको मैंने क्लिक करके ओपन किया, नीचे राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, साइज इसका छोटा करके थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ चलिए कुछ इस तरीके से। और सेट करने के बाद लेयर के ऑप्शन पे जाना है, ये जो फोटो आपका रहेगा इसी फोटो के लेयर में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। लास्ट में आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना, आपका जो फोटो नीचे के साइड में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसको लॉक कर देना है अपने फोटो को, ऊपर अभी आपको लेयर का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना काम करके हो चुका है, यानी आपका फोटो जो यहाँ पे लगा के हो चुका है। अभी आपको प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम गैलरी पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर जो अपना आपका जो भी चुनाव चिन्ह का इमेज है उसको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक चुनाव चिन्ह का इमेज यहाँ पर ए रहा है, इसको मैंने क्लिक करके ओपन किया, नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ इरेज कलर के ऑप्शन पर, इसको इनेबल करता हूँ टॉलरेंस को फुल करके। ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके हम मैं जो साइड सॉरी दोस्तों स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाके इसको इनेबल करता हूँ। मैं एक नंबर में स्ट्रोक डाल देता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर का, और ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसका साइज मैं छोटा करके इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ, जो मैंने PNG वाला शेप रखा हुआ है उसके अंदर ही कुछ इस तरीके मेरा चुनाव चिन्ह का इमेज भी यहाँ पे सेट करके हो चुका है। अभी चलिए यहाँ पे मुझे जो कुछ भी टाइपिंग करके लिखना है वो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। लिखने के लिए पासवर्ड एक जो मेरा न्यू टेस्ट, इसको मैं सिलेक्ट करके एक ही ऑप्शन भी आता हूँ। और यहाँ पे मैं जो इसमें एग्जाम्पल के लिए ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करके यहाँ मैं चले जाता हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर, और जाने के बाद मैं माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन भी आता हूँ। और यहाँ से मैं कोई एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं जो फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो चुनाव चिन्ह का नाम। तो मैं एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, यहाँ पे जो भी चुनाव चिन्ह का नाम है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जैसे मैंने कमल का लगाया हुआ तो यहाँ मैं लिखता हूँ कमल का फूल, यहाँ मैंने कमल का फूल लिखा और डन करके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको इसमें जो भी कलर देना है अभी आप वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए कलर के ऑप्शन में आना है, कलर देना है इसमें। और यहाँ पे आप स्ट्रोक के ऑप्शन भी आगे चाहे तो आप कोई स्ट्रोक कलर भी दे सकते हो। एग्जाम्पल मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ। और यहाँ मैं एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, और यहाँ पर मैं जो भी लिखा है उसको कट करके यहाँ जो भी आपने फ़ोटो लगाया रहेगा वो फ़ोटो यहाँ पे आपको, यानी जो फ़ोटो रहेगा जिसका भी उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है और डन करना है। यहाँ मैंने नाम लिखा और इसका साइज मैं बड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके, इसको मैं ला के यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और इसी का मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट के ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा को, और यहाँ पे चुनाव, और यहाँ इसके आगे चिन्ह लिखा, मैं डन करके यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। मेरा ये भी टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका, साइज मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पे ला के सेट करता हूँ। कलर के ऑप्शन में आके इसमें मैं कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा इतना काम करके हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप इसका कॉपी लेके इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको जो भी अभी
लिखना है वो अपने हिसाब से लिखोगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैं आपको चलिए लिख के दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं इसमें जो वाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाकर इसका स्ट्रोक कलर बंद कर देता हूँ। ऊपर मैं राइट ऑप्शन क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ में जो मैं क्रमांक संख्या लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो क्रमांक लिखता हूँ पहले क्रमांक और यहाँ पर जो नंबर और यहाँ पर मैं जो है एक नंबर डाल देता हूँ क्रमांक में। और यहाँ पर मैं जो बीच में डैश लाइन दे देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा, और यहाँ पर डन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे क्रमांक नंबर एक वाला टेक्स्ट को यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसी टेक्स्ट का मैं कॉपी लेके एडिट के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जो मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ कुछ, यहाँ पे लिखा मैंने मो और यहाँ पे मैं डॉट देकर और यहाँ पे चले मैं कुछ मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ में जैसे मैं अपना नाम यानी सॉरी दोस्तों अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे मैं जो डन करके ओके करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी आ चुका है। साइज मैं छोटा करके इसके ऊपर यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बार अपना बैनर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने बैनर में लेके चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखने लायक था और जो कभी लिख के बताने लायक था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पे जो कुछ भी देख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण, ये चीज़ आप लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बाकी का टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से आपको लिखना है। और बाकी का यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ हर घर पानी बिजली व पक्की नली, ये सब आप जो अपने हिसाब से लिखोगे, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख के अटैच किया हुआ है, तो आप भी जो अपने हिसाब से बैनर में लिख सकते हो। तो बस दोस्तों आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ सबसे हेडलाइन में नए दौर की आधी आजमा कर देखिए, इसे मैंने कुछ अपने हिसाब से लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी आप जो भी टाइटल डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए यहाँ मैं जो अपने पिक्सल में आपको वापस से लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से जिला परिषद के यानी मुखिया चुनाव का बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो यहाँ दोस्तों जब आपको दोनों पोस्टर अलग अलग बना के कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों को आपको एक ही साथ ला के ऐड करके आपको जो सेव कर लेना है इमेज को, बस आपको यहाँ पर इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए, चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।